नाम सईदा बतूल जहरा है और मैं उड़ी बारामूला से हूँ। तो मेरा जो अभी मैंने अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में एक भजन गाया है राम जी पे, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैंने रिसेंटली एक जुबीन नोटियाल का देखा, मैंने उन्होंने हिंदी में एक भजन गाया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गा के इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट करती हूँ। तो जो कश्मीर अहेड है मैं उनके साथ काम करती हूँ, उन्होंने मेरे इस जो भजन मैंने गाया था उसको पोस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी मेरी ये पोस्ट की है। तातुर का आज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। चाहती हूँ कि जैसे अयोध्या में अभी राम मंदिर का आगाज होने जा रहा है, तो मेरा ये मानना था कि लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का इस चीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अब मैं ये उनको रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ। हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, जब वो हमारी मस्जिद की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हमारे दरगाह जो हो दरगाह पे आते हैं इतने टूरिस्ट उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं उनके राम मंदिर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और पहली सबसे बड़ी मैसेज ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि आप जिस वतन में रहते हैं आप उससे मोहब्बत करें। तो मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरे दिल में इंडिया के लिए रिस्पेक्ट है, हमारे जो एलजी साहब हैं उनके लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हमारे लिए। फैमिली जो मेरे पापा हैं वो एक पहाड़ी सिंगर हैं, आरिफ काजमी नाम है उनका। तो हम तीन बहनें हैं, हमें कोई भाई नहीं है, पर लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं कहा कि तुम बेटी हो तुम घर से बाहर नहीं निकलो। मैं अपने पापा के साथ पूरा इंडिया घूम के आई हूँ और शायद ही बारामूला में कोई ऐसी लड़की है जो पूरा इंडिया देख के आई हो। तो मैं बहुत सारी जगह पे अपने पापा के वजह से गई, तो थैंक्स टू माय पेरेंट जिनकी वजह से अभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये भजन गाने का शौक आपको पहले से ही था या बाद में? मैं सिंगिंग करती थी, पर मेरे माइंड में अचानक ये कंसेप्ट आया कि राम मंदिर बनने जा रहे हैं, तो उस पर मैं भी कुछ मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैंने अपनी इसी वजह से अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में ये गाना लिखा और मैंने उसे रिकॉर्ड किया और पोस्ट किया। कितने टाइम में ये मैंने शायद ये 10-15 मिनट में मैंने इसको लिखा अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, और मैंने कोई बड़ा स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, एक सिंपल से फ़ोन पे किया, अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया। तो